अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्ग वीकेंड गुजारने के लिए मेरे हस्बैंड की कज़न के घर आए हुए थे, तो बस अब नेक्स्ट डे हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, हमारा वापस जाने का प्लान था। फिर सबने सोचा कि क्यों ना चलो बीच का ही चक्कर लगाया जाए। बीच पर जाने के लिए हमने बच्चों के टॉयज़ और कुछ खाना वगैरह पकड़ लिया था, और बीच का रास्ता इनके घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट का ही रास्ता था, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मुझे लगा कि धूप होगी, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी हवाएँ चल रही थी, और ये यहाँ मैं पानी में तस्वीरें उतारने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी तो आपको खड़ा ही नहीं होने दे रहा था, और रेत पाँव के नीचे से ऐसे निकल रही थी जैसे कहते हैं ना, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी, बस वही हाल था हमारा। और साथ यहाँ अपने बाबा के साथ पानी में एंजॉय कर रहा था, पहले तो वो पानी में जा ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से हमने उसको मना के उसके बाबा पानी में गए, फिर वो उनके पीछे गया तो वो भी एंजॉय करना चाहा, लेकिन बाद में तो वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया, और यहाँ पे मैंने इतने बड़े बड़े शिप देखे, दूर से देखने से बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ आ रही है। मैंने क्रूज़ भी पहली बार देखा, खैर मैं बीच भी पहली बार ही देख रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और बीच के दूसरी साइड पे एक आइलैंड था, आप यहाँ से फेरी लेके उस आइलैंड पे भी जा सकते हैं, और फेरी की राइड भी फ्री थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हमें घर जाना था, फिर घर वापस भी जाना था। तो और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा था यार, यहाँ पे आसमान बहुत क्लियर होता है, आपको हर चीज़ इतनी साफ़ और इतनी खूबसूरत लगती है ना, और कि बस आपका दिल करता है कि उसको बस देखते ही जाओ, चाहे धूप भी क्यों ना निकली हो। और यहाँ पर मैंने कुछ सी शेल कलेक्ट किए थे कि चलो याद रहेगा। अच्छा, ये बीच के दूसरी इस वाली साइड पे मेरा बहुत जाने का दिल था, लेकिन हम चूँकि 6 बजे के बाद आए थे तो यहाँ पे गार्ड नहीं था, तो मुझे यहाँ पे किसी ने जाने दी नहीं दिया। अगर गार्ड होता तो मैं यहाँ ज़रूर जाती, एंड देन फिर हम भीगते भिगाते वहाँ से निकल गए थे। हम जिनके घर आए थे उनकी बेटी का बर्थडे था, तो हमें उसके लिए वापसी पे गिफ्ट भी कलेक्ट करना था, तो हम टारगेट आ गए थे क्योंकि आज हमने चले जाना था, तो हम ऐसे ही गीले ही यहाँ पे आ गए। हमने उसके लिए छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा गिफ्ट लिया, और देन फिर घर आके खाना वगैरह खाया, और फिर वापसी का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके अपने तो आपके पास होते नहीं हैं, तो फिर इसी तरह ही आपको वीकेंड्स पे ऐसे ही कोई गेट टुगेदर प्लान करना पड़ता है, वरना तो आप इंतहा के बोर हो जाते हो। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।